हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ढाबल स्टाइल दाल तड़के की रेसिपी, जो बिल्कुल ढाबल स्टाइल में आज हम घर पर बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप सब जानते हैं कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से तुअर दाल लिए, एक कप के करीब मैंने यहाँ पर तुअर दाल लिए हैं। इसे हम पानी डालकर 5 से 10 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के इसे भिगो के रख दिया है। अब एक कुकर में तुअर दाल को डालकर जितने तुअर दाल है सब ऐड कर देंगे। और इसमें 2 कॉफ़ी मग के करीब मैंने यहाँ पे पानी लिया है, ताकि हमारा तुअर दाल अच्छे से गल जाए, सटे नहीं, गाढ़ा नहीं हो ज़्यादा। इसमें 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर इसे हमें चला लेना है थोड़ा, और उसके बाद 2-4 सीटी होने तक इसे पकाना है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम में 3 से 4 सीटी होने का वेट करूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारा सीटी लग चुका है। अब हम कुकर खोलकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा दाल अच्छे से गल गया है। अब उसे मैशर की मदद से उसे थोड़ा अच्छे से मैश कर लेना है, ताकि जो बचे हुए रेसे दाल हैं जो खड़े हैं वो हमारा अच्छे से मैश हो जाए। तो चलिए अब इसे हम तड़का देते हैं। तो यहाँ एक कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे तेल डाला है। उसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे और साथ ही में 1 पिंच हींग डालेंगे। हींग से टेस्ट दाल के बहुत अच्छे आते हैं। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब उसमें हम थोड़ा सा प्याज चॉप किया हुआ डाल देंगे। मैंने यहाँ पे आधे प्याज को चॉप कर लिया है, वो ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिला लीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसमें हम चॉप गार्लिक ऐड करेंगे और थोड़ा सा जिंजर, दोनों मैंने बारीक कट किया है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई होने देंगे। तो ये सब हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो इसके थोड़े कलर चेंज हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम एक टमाटर को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। टमाटर को भी अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें मैंने एक से दो हरी मिर्च है जिसे पत्ते छोटे टुकड़े में कट किया है, वो भी ऐड कर देंगे। उसे भी अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने रेड चिल्ली पाउडर, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखूँगी इसलिए मैंने सिर्फ 1/2 टीस्पून ही यूज़ किया है। नमक अब अपने स्वाद के अनुसार यूज़ करेंगे, क्योंकि दाल में भी हमने नमक डाला है, तो उस हिसाब से आप नमक चेक करेंगे। इन सबको अच्छे से हम भून लेंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में, ताकि टमाटर और प्याज हमारे अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे हमारा अच्छे तरीके से देखिए मसाले सारे भुना गए, तेल अलग हो गए हैं। तो अब स्टेज में हम क्या करेंगे, हमारा जो दाल है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं बनी हुई दाल को ऐड कर देती हूँ। यहाँ मैंने सारे दाल मिला लिए। अब उसे मसाले में अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं दाल हमारा काफ़ी गाढ़ा है, उसे हमें पतला करना है, क्योंकि इतनी गाढ़ी दाल तो हम खाएंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने 1 कॉफ़ी मग के करीब मेज़र से यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है। पानी आप अपने अनुसार ऐड करेंगे, आपको कितना पतला और कितना गाढ़ा चाहिए। साथ ही में नमक टेस्ट कर लीजिएगा, अगर नमक आपको कम लग रहा है तो उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। और इसे ढक कर 5 से 10 मिनट के लिए पकाएँगे धीमी आँच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पानी हमारा काफ़ी अच्छे से पक गया, दाल की थिकनेस भी अच्छी हो गई है। तो अब इसे हम तड़का मारेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच घी के डाले हैं। अब उसे हम तड़का मारने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़ीरा, गार्लिक, थोड़ा सा कड़ी पत्ता यहाँ पे थोड़ी सी मिलाई, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हींग और ऐड किया है,
दो कश्मीरी लाल यूज़ किए हूँ और हाफ टी स्पून मैंने रेड चिल्ली पाउडर, ताकि रेड चिल्ली पाउडर से क्या होता है ना कि कलर बहुत खूबसूरत खिल के आते हैं। तो अब वो हम दाल के तड़के में मार देंगे। और ये थोड़ा सा मैंने निकाल के रख लिया है तड़का, ताकि जब हम सर्व करें तो हम सर्विंग बाउल में उसे डालेंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देते हैं। अब उसे ढककर हम 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ढाबा स्टाइल दाल तड़का बनकर बिल्कुल तैयार है। ये अच्छे से बन गया है, इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको चेक करके बताती हूँ। आप देखिए हमारा थिकनेस कितना अच्छा है दाल की। तो इस स्टेज पे हमारा दाल पूरा बनकर तैयार है। इसमें एक्स्ट्रा अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें अब हम सर्विंग बाउल में से सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सर्विंग बाउल लिया है, उसमें हम अपने दाल तड़के को सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे दाल को निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सर्विंग बाउल में सर्व कर लिया। अब उसे रेस्ट हम तड़का मारेंगे जो हमारा बचा हुआ था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तड़का भी मार दिया है दाल में। थोड़ा सा कोरिएंडर लीव से और डेकोरेट कर देंगे। तो ढाबा स्टाइल दाल तड़का हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। एक बार इस रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।